कुतुबपुर मोरा ग्राम बेला पार लाद राम जाति के हजाम जिला छपरा बलमुआ। नमस्कार, मैं कौशिक। आज भिखारी ठाकुर की जयंती है। भिखारी ठाकुर जिन्होंने भोजपुरी को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाया। भोजपुरी भाषा के साथ साथ उन्होंने नाटक और नाच को भी नई दिशा दी, नया आयाम दिया। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, द लीजेंड ऑफ भोजपुरी। अपने जीवन काल में ही महानता का शिखर छू लेने वाले भिखारी ठाकुर की जीवन यात्रा वस्तुतः भिखारी से ठाकुर होने की यात्रा है, फर्श से अस्त तक पहुंचने की गाथा है, अपने होने को साबित करने का संघर्ष है और सबसे बढ़कर सामाजिक व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़े एक व्यक्ति के मनुष्यता के चरम तक पहुंचने की कथा है, एक आम आदमी के सतह से शिखर तक की बेजोड़ मिसाल है भिखारी ठाकुर। भोजपुरांचल में शायद ही कोई ऐसा होगा जो भिखारी ठाकुर को नहीं जानता हो, जिसने भिखारी ठाकुर का नाम नहीं सुना हो। भिखारी ठाकुर हमारी स्मृति और इतिहास में भोजपुरी के सांस्कृतिक महानायक के तौर पर दर्ज हैं। लोक संस्कृति हमेशा प्रतिरोध की संस्कृति रही है। अगर हम भोजपुरी की लोक संस्कृति में कुंवर सिंह को याद करते हैं, चिट्टू पांडे मंगल पांडे को याद करते हैं, फतेह शाही के संघर्षों को याद करते हैं, तो लोग सांस्कृतिक तत्वों के अपने पूरे समावेश और पूरे बोध के साथ हम भिखारी ठाकुर को भी रखते हैं। यहाँ भिखारी ठाकुर का जो अवयव है, भिखारी ठाकुर का जो अवदान है, वो बहुत बड़ा होता दिखता है। मेरे लिए भिखारी ठाकुर होने का मतलब जैसे एक सामंती समाज में प्रतिरोध का होना है। 18 दिसंबर सन 1887 को जन्मे भिखारी ठाकुर ने उस समय की लोकप्रिय किंतु समाज में तिरस्कृत विधा नाच और नाटक के जरिए सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों और भेदभाव तथा शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की वो अलग जगाई कि सारण के एक अनजाने से गांव कुतुबपुर दियारा के नाई भिखारी से वे पूरे भोजपुरांचल के सांस्कृतिक और सामाजिक नायक भिखारी ठाकुर बन गए। भोजपुरी के शेक्सपियर, छपरा यानी सारण के भिखारी ठाकुर, आरा, बलिया, छपरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस सहित तमाम भोजपुरांचल के दबे कुचले वर्ग की आवाज बन गए। भोजपुरिया समाज के इस महानायक के नाटकों ने समाज के वंचित और उपेक्षित तबके के भीतर बेहतरी की उम्मीद जगा दी। इस उपेक्षित तबके के सदियों से उपेक्षित और शोषित निम्न वर्गीय जातियां थी, तो हर तबके की महिलाएं भी। उन्होंने व्यापक जन समुदाय को प्रभावित किया, जैसे स्त्रियां हैं, जैसे दलित हैं, जैसे शोषित वंचित हैं। वो खुद भी नाई थे, हजाम थे, वो एक निचली बिरादरी से आते थे। मेरे लिए उनके होने का सबसे पहला और अंत तक भी मतलब यही है कि वो एक सामाजिक जकड़नों में युक्त समाज को मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। भिखारी ठाकुर को नाई होने के चलते बचपन से ही तिरस्कार का दंश कदम कदम पर झेलना पड़ा। इस तिरस्कार ने ही उन्हें गांव छोड़कर कलकत्ता जाने पर मजबूर किया। हालांकि कलकत्ता से बहुत जल्द वापस भी आ गए, लेकिन नाई भिखारी के रूप में नहीं, कलाकार भिखारी के रूप में। कलकत्ता प्रवास के दौरान देखे गए बांग्ला नाटक जात्रा और रामलीला ने इनके भीतर के कलाकार को जगा दिया। गांव लौटकर हुए नाच से जुड़ गए, पहले किसी और की मंडली में, फिर अपनी नाच पार्टी भी बनाई। यही भिखारी ठाकुर का प्रस्थान बिंदु था। भिखारी से
भिखारी ठाकुर बनने के लिए, और भिखारी ठाकुर के द्वारा यहीं से भोजपुरी नाटक और नाच का दशा भी बदला और दिशा भी। भोजपुरी नाच जो उस समय लौंडों के फूहड़ और अश्लील प्रदर्शन के लिए कुख्यात था, भिखारी ठाकुर के आने से अपना चोला बदलने लगा। अपनी नाच पार्टी के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने नाच और नाटकों में ऐसे ऐसे अभिनव प्रयोग किए कि भोजपुरी का तिरस्कृत और अश्लील कहा जाने वाला लौंडा नाच सामयिक और सामाजिक समस्याओं पर प्रहार करने का सबसे सशक्त मंच बन गया। भिखारी ठाकुर ने गबर घिचोर, बेटी बेचवा, विदेशिया जैसे नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर गहरी चोट करनी शुरू कर दी। भिखारी ठाकुर ने पहली बार बताया कि नाच केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का भी माध्यम है। उनके द्वारा लिखित और मंचित नाटक दर्शकों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते थे बल्कि उससे आगे बढ़कर उनकी आंखें भी खोलते थे। लोक का प्रतिरोध होता है वो बड़ा मौन किस्म का होता है, और भिखारी ठाकुर का भी प्रतिरोध मौन प्रतिरोध था। वो नाटक करते थे लेकिन कैसे बदलना है समाज को ये वो बहुत बखूबी जानते थे। वो बहुत बड़ी बड़ी बातों पर और बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी नाच मंडली के माध्यम से देते थे, लेकिन ये मतलब इसका ख्याल भी रखते थे कि उस पर प्रहार कैसे करना है, उस पर चोट कैसे करनी है। भिखारी ठाकुर ने सफलता हासिल की तो उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्होंने नित नए कीर्तिमान स्थापित किए भोजपुरी की दुनिया में, तो लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए तमाम कोशिशें भी जारी रखी, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए उन्हें बदनाम करने के लिए, नित नए प्रयास जारी रहे। भिखारी ठाकुर ने अपनी पहचान स्वयं गढ़ी थी। उनकी इस पहचान को परिवार और समाज ने बहुत आनाकानी के साथ स्वीकार किया। कभी इन्हें नचनिया कहा गया तो कभी इनकी रचनाओं को मौलिकता को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन हर सवाल समय के साथ ध्वस्त होते गए। भिखारी ठाकुर ने अपनी नाच मंडली, नाटकों और गीतों के जरिए यह साबित किया कि वे सही थे, उन पर आरोप लगाने और तिरस्कृत करने वाले गलत। भिखारी ठाकुर अपनी परंपराओं से वाकिफ व्यक्ति थे, बोध के स्तर पर और सामाजिक चेतना के स्तर पर वह किसी से भी कमतर नहीं ठहरते हैं, और भिखारी ठाकुर जैसे चेतना संपन्न व्यक्ति के साथ तो मुझे लगता है कि यह कहना एक तरीके से अन्याय ही होगा। ये निराधार किस्म की बातें हैं कि मतलब भिखारी ठाकुर ने कहीं से कोई चोरी कर लिया या कहीं से कोई चीज अनुकरण करके जस का तस ले लिया। यह भिखारी ठाकुर और उनके नाटकों की ही कामयाबी है कि कोई उन्हें भरत मुनि की परंपरा का पहला नाटककार मानता है तो कोई भोजपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने तो उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर की उपाधि दे दी। इसके अलावा उन्हें कई और उपाधियां व सम्मान भी मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। 10 जुलाई 1971 को भिखारी ठाकुर ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लोक संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि वो बहुत लंबे चौड़े तामझाम के साथ वादे और उद्घोषणाएं तो नहीं करती, लेकिन बहुत सार्थक तौर पे और बहुत जड़मूल में जाकर के उनको बदलने की कोशिश करती है। तो भिखारी ठाकुर स्त्री मुक्ति के नायक नहीं है, सही है, लेकिन स्त्री की पीड़ा के इतने प्रखर और इतने प्रामाणिक गायक हैं कि वो परिवर्तन की बेचैनी पैदा करते हैं। भिखारी ठाकुर जीते जी लीजेंड बन गए थे। उन्होंने अपनी आंखों में एक ख्वाब देखा था, भोजपुरी और भोजपुरी नाच तथा संस्कृति को गौरवमयी ऊंचाई पर पहुंचाना। उन्होंने अपने दम पर ऐसा किया भी, लेकिन विडंबना यह भी कि बाद में भोजपुरी क्षेत्र अपने इस सांस्कृतिक महानायक की थाती को संभाल नहीं पाया। दरअसल जिस अश्लीलता और फुहड़पन के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी थी, अश्लीलता और फुहड़पन का वह दाग नए दौर में भोजपुरी के माथे पर कलंक की तरह चिपक गया है।
यह पूरे भोजपुरांचल के लिए दुखद और अफसोसजनक है। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी नाटक और नाच और प्रदर्शनकारी जो भी कलाएं हैं उनमें फुहारता और अश्लीलता को समाप्त करने की जो जंग छेड़ी, उस जंग का असर उस समय तो हुआ, फिलवक्त हुआ, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में वो फुहारता और जड़ पकड़ चुका है। भोजपुरी की यह हालत बेहद अफसोसजनक और शर्मनाक है, जिसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम इसे अश्लील मुक्त और फुहारपन मुक्त करेंगे। यही भिखारी ठाकुर का सपना था जो उन्होंने देखा था। Da 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 Da